नमस्कार दोस्तों, इंडियन हेल्प 19 में आपका स्वागत है। और आइए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि बार बार ये मैसेज हमें शो कर रहा है जे फेल्ड अनवैलिड वैल्यू इन द वेस एथराइज ऑफ वायो अलाइनमेंट विन पेड। ठीक है, इसका हम आज सोल्यूशन देखेंगे। मंथरा डिवाइज हो या मंथरा डिवाइज हो अपने या मॉर्फो हो, सभी में ये ट्रिक जो है वर्क करेगी। तो हमें मंथरा ये मंथरा डिवाइस के लिए हमें ये यहाँ पे मंथरा MS 100 न्यू ये हमें ये यहाँ पे टाइप करना होगी। और फर्स्ट वाली लिंक पे हमें जो है यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करते हैं, ओपन जैसे ही हम करेंगे तो हमें हमारा एक कैप्चर कोड पूछेगा। तो हमें कैप्चर कोड डाल के और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हमें सबसे पहले ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड करना है हमें, ये डाउनलोड होने लगा। और फिर हमें करना है ये वाला, सिंपली हमें पहले तो ये डाउनलोड करना है और साथ में ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद में हमारा जो है अब जो डाउनलोड करते हैं अपन, डाउनलोड जैसे होने के बाद में फिर हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते। सबसे पहले हमें जाके हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में जे प्रोग्राम फ्यूचर्स में जाएंगे। फ्यूचर में जाने के बाद में हम मंथरा डिवाइस का जो भी हमारा पहले का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होगा एप्लीकेशन, वो हमें यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना रहेगी। अनइंस्टॉल कर देंगे तभी हमारा ये पूरा क्लियर कर देंगे। और क्लियर करने के बाद में हम सारा पूरा सारा डिटेल्स हटा देते हैं। साइट कोई ये खोलेंगे तब भी यही सेम एरर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, हमें इस एरर को दूर करना है ना। तो दूर करने के लिए हमें ये प्रोसेस हमें जो है डाउनलोड होती है, तो फिर हम करके अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा प्रॉब्लम जो भी है सारा सॉल्व हो जाएगा। और डिवाइस चाहे मंत्रा हो चाहे मॉर्फो हो, सभी का सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए डाउनलोड होने देते हैं, देखते हैं अपन। दोस्तों डाउनलोड हमारा हो चुका है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ कंट्रोल, ये हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, स्लो करेंगे तो हमारा जो है सर्विस काम करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमारा दोनों इंस्टॉल हो गया है, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में दूसरा हमारा ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया था, इसको भी यहाँ फिनिश कर देंगे। फिनिश पर क्लिक करेंगे, फिनिश हो जाएगा हमारा, ये सर्विसेज खुल के आ गया है। इंस्टॉल कर देंगे, कैप्चर पर क्लिक करेंगे, कैप्चर लगा के देखेंगे, कैप्चर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसको यहाँ से एक्सेस कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी साइट की ओर। ये एरर क्या कोई भी एरर आएगा तो जिस बराबर सॉल्व हो जाएगा हमारा समस्या। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले हमारा जो है RD सर्विस को रिस्टोर करना होगी।
स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे तब फिर से। हमने साइट खोल के देखा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट ओके, कैप्चर पर क्लिक करते हैं। कैप्चर करने क्लिक करने के बाद में हमारा साइट जो है सक्सेसफुली ओके हो चुका है, हमारा साइट खोल के रेडी। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार के मंत्रा का जो भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रहे आपके में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारा जो है ये एरर आसानी से आप जो है मिटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।